यूपी के बुलंदशहर में घर के बाहर सो रहे दंपति पर जानलेवा हमला। पत्नी की मौके पर मौत और पति का चल रहा अस्पताल में इलाज। देर रात को शिकारपुर नगर के मोहल्ला लाल दरवाजा फारूकी नगर में बीती रात्रि को घर के बाहर सो रहे पति पत्नी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें पत्नी रेहाना की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति शब्बीर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और सूचना के बाद बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार एवं एसपी देहात एसडीएम सीओ आला अधिकारी मौके पर घटना की जांच बारीकी से कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लेन देन को लेकर जाहिर की गई है कत्ल की वारदात एवं धारदार हथियार से सिर पर किया गया दंपति के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के बीचों बीच वारदात होने से दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल की गंभीर हालत बताई जा रही है। बुलंदशहर की कोतवाली शिकारपुर क्षेत्र के लाल दरवाजा क्षेत्र का पूरा मामला बताया गया है। देखो भैया, हमें तो पता नहीं है, मुझे तो 5 बजे खबर लगी है, मेरे भाई ने बताई कैसे जवाब दे मेरे भाई को और तेरे भाई को बीवी को मार दिया। मैं तो फोन करके और जब भी आके मैंने अपने बच्चों को देखा। वैसे ये घटना की वजह क्या रही है? वजह की भैया अब ये पता ना, हमें तो पता नहीं है, वो जान सकता है, उसका ऊपर वाला जान सकता है क्या हुआ है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि कल झंगेरवा चुंगी पर झगड़ा भी हुआ है। किस बात को लेकर? 15,000 रुपए मेरे भाई पे चाहिए थे, उस बात पे झगड़ा हुआ है। बच्चों को बताया भी नहीं कि नाम का क्या है, नाम हुआ है, झगड़ा कैसे हुआ है, वो झगड़ा किससे हुआ था ये मालूम नहीं है। बच्चों को भी नहीं पता है किससे हुआ है, चुंगी पे हुआ है। पैसे के लेन देन? हाँ, पैसे के लेन देन। ये क्या मामला? ये थाना शिकारपुर में लाल दरवाजा मोहल्ला पड़ता है। यहाँ पे एक दंपति के बाहर सो रहे थे, बताया गया है कि वो फेरी का काम किया करते थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके सर पर किसी ऑब्जेक्ट से प्रहार किया गया, जिसमें कि जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल है। उनको उपचार हेतु अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे जो कि घर में ही सो रहे थे, उनसे पूछताछ की गई है तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व किसी एक व्यक्ति से कुछ पैसों का लेन देन का इनका विवाद था। इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हमारी 4 अलग अलग टीमें इसमें लगा दी गई हैं और जो कोई भी इस घटना के पीछे है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर